तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं डंकआउट टेक और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप एक नया लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो मतलब एक अच्छा डिसीजन आप ले पाए तब एक बाय करने का कोई भी लैपटॉप। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने साल तक उसे यूज़ करना है और क्या आपका यूज़ है उस लैपटॉप से, जैसे कि गेमिंग आपको करनी है या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर नॉर्मल एक्सेल या वर्ड फाइल वर्ड चलाना है, ये क्या आपको करना है वो आपको मतलब डिसाइड होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। क्योंकि ऐसे अगर आप आग बंद करके लैपटॉप लेना चाहोगे तो बहुत वैरायटी है आपको लैपटॉप के एरिया में, बहुत सारे रेंजेस हैं, आपको 30,000 से भी शुरू होता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक भी जाता है। तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको लेना क्या है, किस पर्पज़ से लेना है, कितने साल तक यूज़ करना है और कहाँ कहाँ ले जाना है, जैसे कि घर पे रखना है या फिर ऑफिस में ले जाना है, कॉलेज के लिए चाहिए, क्या चाहिए, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए सबसे पहली बात। और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कॉम्पोनेंट वाइज, मतलब क्या क्या फीचर्स उसके मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला होता है कौन सा आपका प्रोसेसर लगा हुआ है। तो या तो मोस्टली दो ही प्रोसेसर आपको मिलेंगे, या तो AMD का मिलेगा Ryzen या तो फिर Intel का मिलेगा आपको Core i7 i5 जो होता है। तो आपको देखना है कि आपका यूज़ क्या है। अगर आप हैवी यूज़र हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, तो i5 या i7 या i9 भी आप जा सकते हो, लेकिन आपको छोटे मोटे टास्क करने हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करना है लैपटॉप का, जैसे कि आपको सिर्फ एक्सेल चलाना है या फिर वर्ड फाइल जैसे मैंने बताया या और कुछ छोटे मोटे काम करने हैं, तो उसके लिए आपको i3 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे वेस्ट होंगे। मोस्टली यही ज़्यादातर होता है ज़्यादातर लोगों के साथ, तो i3 पे आप जा सकते हो अगर छोटे मोटे आपको काम करने हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। फिर आपको आता है i5 कौन लोग ले सकते हैं। तो i5 मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं उन लोग के लिए प्रेफरेबल होता है i5, जो कि बहुत ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, गेमिंग भी करते हैं तो i5 कोई प्रॉब्लम नहीं है, i5 अच्छा होगा, लेकिन हाँ आप ग्राफिक्स कार्ड उसमें अच्छा चाहिए होता है, i5 चलेगा। i5 मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियन यूजर्स के लिए i5 एक मतलब स्वीट स्पॉट है, उससे ना ऊपर ना नीचे जाने की ज़रूरत है आपको। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो i5 पकड़ लो आप, मतलब आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर Ryzen 5 ले लो AMD का, नहीं तो i5 ले लो। अब i7 किसको ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत सारे कोड्स उसको रन करने हैं, उसके लिए i7 अच्छा है। और फिर हो गया कोई वीडियो एडिटिंग करता है या कुछ भी करता है जो हैवी टास्क करता है, बहुत सारे विंडोज़ एक साथ ओपन करके मल्टीटास्किंग करता है, तो उन लोग के लिए, डेवलपर्स के लिए तो हो ही गया, तो ज़्यादा हैवी टास्क करता है उन लोग के लिए। और नहीं तो बहुत ज़्यादा हैवी मतलब ग्राफिक्स कार्ड है आपका, तो कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो i7 के साथ RTX 2060 1660 Ti, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मैच करता है। तीसरा बात करते हैं फिर ग्राफिक्स कार्ड का। ग्राफिक्स कार्ड आपको कैसा होना चाहिए, अगर आपको गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो सबसे पहले आप VRAM पता लगाओ कि 4 GB VRAM चाहिए आपको, 6 GB VRAM चाहिए या 8 GB चाहिए। 8 GB बहुत कम लोगों को चाहिए होती है, तो आप डिसाइड कर लो। वैसे भी अगर बहुत ज़्यादा हैवी टास्क है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो बहुत कोई PC पे करना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ अगर मतलब बहुत सारा ट्रैवल करते हो, ब्लॉगिंग करते हो आप, तो मे भी आपको 6 GB RAM की ज़रूरत पड़ सकती है VRAM। तो 6060 Ti हो गया, RTX 2060 हो गया, RTX 3060 हो गया, ये तीन ऑप्शंस आपको 6 GB RAM में आते हैं VRAM में। फिर 1650 Ti आपका 4 GB वाला वेरिएंट आता है। तो थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, मतलब 1080p पे गेमिंग करनी है, तो 1650 Ti 4 GB VRAM सफिशियंट है। i5 के साथ इसे पेयर कर लो या i7 के साथ या Ryzen 5 4600H, बहुत अच्छा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस दे देगा ये। और नॉर्मल टास्क करने हैं तो i3 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा टास्क करने हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, डेवलपिंग करते हो, डेवलपर हो या कुछ भी हो, तो i5 अच्छा है, Ryzen 5 4600H भी अच्छा है। उससे ऊपर जाना है तो मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा हैवी जो मल्टीटास्किंग करते हैं दिन रात, मतलब उनका काम ही है उस पे, सारा काम उसी पे करते हैं दिन रात, तो उसके लिए i7 की ज़रूरत पड़ सकती है। और i9 तो मतलब बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं लोग, और जो भी i9 यूज़ करते हैं वो डेस्कटॉप पे ही जनरली स्विच कर जाते हैं, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, i9 तक नहीं जाना है आपको। i7 मैक्स है, i3 मिनिमम है, और बीच में आपको i5 आ गया। i5 स्वीट स्पॉट है, मोस्ट ऑफ द यूजर्स को i5 की ही ज़रूरत पड़ती है।
ये हो गई बात। उसके बाद आगे बात करते हैं, आपको ग्राफिक्स कार्ड की बात होगी, रैम की बात करते हैं। तो रैम का ये है कि स्टार्टिंग अगर कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ये काम नहीं है आपको, जैसे एक्सेल वर्ड ये सब यूज़ करना है, तो 4 GB रैम बहुत है, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाना भी होगा तो बाद में आप एक्सटेंड कर सकते हो रैम को, उसका आपको टेंशन स्टार्टिंग में नहीं लेना है। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि कितना GB रैम का आपको ज़रूरत है। अगर पहले से रिक्वायरमेंट पता है तो फिर सही है, 8 GB देखना है। तो सबसे अच्छा होता है 8 GB, अगर डुअल चैनल में 8 GB है, 4 GB 4 GB रैम तो अच्छा है। लेकिन सिंगल चैनल में भी है, अगर 8 GB एक और दूसरा खाली है तो आप एक्सटेंड करके 16 कर सकते हो फ्यूचर में उसे। मोस्टली 8 GB मैं प्रेफर करूंगा नॉर्मल यूजेस के लिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और उससे कम, अगर 4 से कम चला सकते हो तो 4 भी सही है। ये हो गई बात। उसके बाद बात आती है पोर्ट सिलेक्शन की। तो पोर्ट आप जिस मतलब पोर्ट आपको ध्यान में रखना है कि आपका क्या क्या यूज़ होगा। जैसे कि USB 3.2 अगर 2 या 3 मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर थंडरबोल्ट पोर्ट है कि नहीं, उसमें आपको माइक्रो मतलब SD कार्ड है कि नहीं स्लॉट उसमें, वो अगर जो आपको काम है जिस तरह का वो आप देख लो कि कौन कौन से पोर्ट मुझे चाहिए। और उसके बाद तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ रेंजेस है। अगर मैक यूज़ करते हो तो कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, क्योंकि पोर्ट सिलेक्शन बहुत तो ख़राब है उसका, बहुत कम पोर्ट होते हैं उसमें, अडेप्टर आपको लेना ही पड़ेगा। अगर विंडोज़ यूज़ करते हो तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पहले डिसाइड करो कितने पोर्ट्स चाहिए आपको, और फिर आपको 3-4 ऑप्शन तो आराम से मिल ही जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। उसमें से एक सेलेक्ट कर लो जो आपके कॉन्फ़िगरेशन को मतलब अच्छे से मैच करता हो, स्पेसिफिकेशन। आई पोर्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर बैक साइड में दिया हुआ है, जैसे लीजन में दिया हुआ, तो वो भी अच्छा एक होता है, मतलब प्लेसमेंट अच्छा होता है लीजन वाले सीरीज में। पीछे में दिया हुआ होता है सारे IO पोर्ट, तो मतलब साइड से, मतलब अगर कुछ कनेक्ट कर रहे हो तो गेमिंग वेमिंग करते हो तो हाथ पे लगता है, पीछे से रहता है तो अच्छा होता है। और बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 साल या 7 साल लैपटॉप यूज़ करने के लिए आप ले रहे हो तो एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी ज़रूरी है। और सबसे ध्यान में रखने वाली बात है कि उसका जो हिंजेस है वो अच्छे होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा लूज, क्योंकि हिंज ही एक ऐसा मैकेनिकल पार्ट है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लैपटॉप्स में। तो ये ध्यान में ज़रूर रखना कि उसका जो हिंज है जो ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज़ ना हो। बहुत ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट यूज़ होता है, यही एक मैकेनिकल पार्ट है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है लैपटॉप में, तो हिंज बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिछले बार जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था सोनी वायो, तो उसमें हिंज की बहुत प्रॉब्लम आई थी मुझे, उसके लिए मतलब 2 बार हिंज मुझे चेंज करवाने पड़े थे। तो ये ध्यान में ज़रूर रखना कि हिंज अच्छा हो। HP Omen मैंने जो लिया है 15, उसका हिंज बहुत अच्छा है, कोई इश्यूज अभी तक नहीं आए हैं, तो हिंज आप देख लेना एक बार। और हाँ, कोई भी लैपटॉप लेने से पहले एक बार आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पर ज़रूर देख लेना, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट, कि उसका रिव्यूज़ कैसा है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको सर्टिफाइड बायर्स के रिव्यूज़ मिलेंगे ना, वो सबसे जेन्यून होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने फेस किया है अपने से यूज़ करके, उन्होंने क्या प्रॉब्लम आई है उसे, वो लोग वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी बहुत निकालते हैं। तो वहाँ क्या क्या इश्यूज आई है, अगर बहुत सारे कॉमन इश्यूज कोई आ रहे हैं तो मतलब वो जेन्यून कॉमन इशू है, तो उसको आप ध्यान में रखना। और सबसे अच्छा जिसके रिव्यूज़ रहे वही लेना, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे, और स्पेसिफिकेशंस के रिव्यू तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, बिल्ड क्वालिटी का इशू कोई देखना है तो आप उसके वेबसाइट पे चल जाओ, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे, वहाँ पे अपना मॉडल नंबर टाइप करो जो आपको लेना है, वहाँ पे आप रिव्यूज़ पढ़ो, वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये मतलब ड्यूरेबल है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो 6 महीने 1 साल तक यूज़ किए होते हैं उस लैपटॉप को, तो वो आपको अच्छा एक रिव्यू डायरेक्शन दे देंगे। तो ये 4-5 बातें आप ध्यान में ज़रूर रखना, कूलिंग सिस्टम कैसा है, कितने सिंक दिए हुए हैं उसमें, अगर गेमिंग करते हो तो सिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। CPU और GPU दोनों से ये जो हीट पाइप से अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है। और 2 फैन ज़रूरी हैं अगर आप गेमिंग करते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है आपका CPU GPU। फिर आपको बिल्ड क्वालिटी देखनी ज़रूरी है। फिर आपको ये देखना है कि डिस्प्ले कैसा है उसका, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो तो डिस्प्ले आपको होना चाहिए कम से कम, मतलब कम से कम नहीं, 99% sRGB होनी चाहिए, 72% NTSC और 99% या 100% sRGB होनी चाहिए अगर आप वीडियो एडिटिंग या कोई भी कंटेंट क्रिएशन वाला काम करते हो जिसमें आपको स्क्रीन में मतलब जो कलर्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट चाहिए, तो ये ध्यान में रखना। और बात हो गई आपको, हाँ, अगर गेमिंग करते हो तो 144 Hz या 120 Hz मिनिमम होने चाहिए, 60 Hz में मज़ा नहीं आएगा, आप कोई भी FPS वाले गेम खेल रहे हो फर्स्ट पर्सन वाले, तो वो ध्यान में रखना।
गेमिंग के लिए आपको 144 हर्ट्ज़ मतलब ठीक रहेगा, सही रहेगा, या 120 हर्ट्ज़ भी चलेगा, ये सारी बातें हो गई। और हाँ, बैटरी लाइफ कैसी है वो चेक कर लेना, मतलब चार्जिंग की स्पीड क्या है, बैटरी लाइफ, मतलब बैटरी का जो वॉटेज है, कितना वॉट का बैटरी है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कितना वॉट आवर का बैटरी है वो ज़रूर देखना, क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो आप लैपटॉप लेके कहीं जा रहे हो बाहर, तो जैसे कॉलेज में जा रहे हो, तो हर बार आप चार्जर ले जाना पसंद नहीं करोगे, और हर जगह चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगा भी नहीं लगाने के लिए, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है। हर जगह अडाप्टर ले जाना पसंद भी नहीं करते लोग, और गेमिंग लैपटॉप्स में तो वैसे ही बहुत भारी चार्जर मिलते हैं। तो हाँ, बैटरी कैपेसिटी देख लेना ज़रूर, कितना बैटरी आपको चाहिए, 4-5 घंटे चल जाए या 7-8 घंटे चल जाए तो बहुत अच्छा है। 4-5 गेमिंग लैपटॉप, 4-5 से ज़्यादा नहीं मिलता है स्क्रीन ऑन टाइम, और नॉर्मल लैपटॉप में 7-8 घंटे, अगर कॉलेज वाले लैपटॉप ले रहे हो आप या अल्ट्रा बुक ले रहे हो या, तो 7-8 घंटे उसमें मिनिमम, बेयर मिनिमम चाहिए आपको। तो ये सारी बातें हो गई, रैम, जीपीयू, सीपीयू, बिल्ड क्वालिटी, थर्मल्स कैसे हैं, फिर डिस्प्ले कैसी है, पोर्ट सिलेक्शन कैसा है, सब आपको ध्यान में रखना है अगर आप एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, क्योंकि 5 से 7 साल अगर आपको यूज़ करना है तो आप पे एक एक मतलब रुपया आपको ध्यान से देख के लगाने हैं लैपटॉप में अपने। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी बातें आप ध्यान में ज़रूर रखना अगर लैपटॉप आप लेने जा रहे हो नया। तो दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। और कोई क्वेरी होगी और कोई रिकमेंडेशन चाहिए होगी कौन से लैपटॉप को लेना है किस रेंज में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और किसी डिवाइस के बारे में स्पेशल रिव्यू आपको चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो दैट्स इट गाइस, यही था इस वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो वीडियो। तो